भाई होली आने वाली है तो आपको बता देते हैं कब खेली जाएगी होली, कब होगा होली का दहन। देख रहे हैं आप वैदिक टीवी, सभी का स्वागत करती हूँ आपकी प्यारी दोस्त मेघा वर्मा। राधे राधे। हिंदू धर्म में रंग और उमंग से भरी होली के पावन पर्व का बहुत महत्व है। पंचांग के अनुसार फाल्गुन महीने की पूर्णिमा पर पड़ने वाले इस पर्व को देश विदेश में बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है, और यही वजह है कि नया साल लगते ही लोग इसका बेसब्री से इंतजार भी करते हैं। बुराई पर अच्छाई की जीत से जुड़ा ये पर्व कब मनाया जाएगा, चलिए बता देते हैं। किस दिन होलिका जलेगी, किस दिन आप रंग खेल पाएंगे, गुलाल रंग पाएंगे। होलिका दहन के शुभ मुहूर्त की बात करें तो पंचांग के अनुसार इस साल फाल्गुन महीने की पूर्णिमा तिथि 6 मार्च 2023 को शाम 4:17 से शुरू होगी और 7 मार्च शाम 6:09 पर खत्म होगी। ऐसे में इस साल होलिका दहन 7 मार्च को ही होगा। भाई रंग कब खेलना है, गाल कब रंगने हैं? भाई इस पर्व का संबंध रंग उमंग और खुशियों से है। रंगों के बिना होली अधूरी होती है। इस साल 8 मार्च को रंग खेला जाएगा। पूरे भारत बल्कि भारत के बाहर भी होली खेली जाती है। अबीर और गुलाल से लोग एक दूसरे को रंग देते हैं। बात करते हैं कि भाई इस रंगीन त्योहार की धार्मिक महत्वता क्या है। हिंदू धार्मिक मान्यता के अनुसार होली का संबंध होलिका और प्रहलाद की कथा से है। मान्यता है इसी दिन जब भगवान श्री विष्णु के परम भक्त को जलाकर खत्म करने के लिए होलिका आग में बैठी थी, तो भगवान श्री विष्णु की कृपा से प्रहलाद को तो कुछ नहीं हुआ, वो तो ठीक ठाक बाहर आ गया, लेकिन होलिका उसी आग में जल गई। पौराणिक काल में होली के 8 दिन पहले से प्रहलाद को यातनाएं देना शुरू हुआ था, इसलिए होलिका दहन से 8 दिन पहले होलाष्टक लग जाता है। इसमें किसी भी अच्छे काम को करने की सलाह नहीं दी जाती। तो जानने दें भाई ये होलाष्टक लगेगा कब। 2023 में होलाष्टक 27 फरवरी से शुरू हो जाएगा और 8 मार्च तक रहेगा, यानी जब तक होली नहीं हो जाती। हिंदू मान्यताओं के अनुसार इस दौरान कोई भी शुभ काम नहीं होता। होलिका और प्रहलाद के अलावा होलाष्टक से जुड़ी एक और कथा भी है, जिसमें कहा गया है कि इंद्रदेव के कहने पर कामदेव ने भगवान शिव की तपस्या को भंग कर दिया था, जिससे नाराज होकर भगवान शिव ने अपनी तीसरी आंख को खोलकर कामदेव को भस्म कर दिया। जिस दिन महादेव ने कामदेव को भस्म किया था वो फाल्गुन मास की अष्टमी तिथि थी। इसके बाद कामदेव की पत्नी रति उसी दिन से लगातार 8 दिन तक कठिन तपस्या करती रही और महादेव को प्रसन्न करके अपने पति को दोबारा जिंदा करने के लिए उसने वरदान भी पा लिया। इसी 8 दिन को हिंदू धर्म में होलाष्टक कहा जाता है। तो अब आप पता लग गया, तो रंगों से सराबोर होके अच्छे से होली खेलिए। राधे राधे।